बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के मामले को लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर से मुलाकात करके बाहर निकला है। आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या शिकायतें की हैं और निर्वाचन आयोग से क्या कहा, निर्वाचन आयोग ने इन्हें क्या भरोसा दिया। मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ, आपका फेस आ रहा है एकदम। अरे क्या माइक कहाँ है? और अरे माइक कहाँ है यार? उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया, तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि भाई क्या प्रियंका गांधी ऊपर है, क्या किसी कानून को मानती या नहीं मानती है। एक ऐसा स्टेट में जिसको वो खुद एडमिट करती है बोलते हुए, मुझे पता नहीं ये सही है, सही है कि गलत, और उसके बावजूद भी वो बोलती है और बोलती जा रही है। उसके साथ रिलेट कर रही है सरकारी योजनाओं का, धार्मिक भावनाओं से आप झूठ नहीं फैला सकते, दुर्भावना नहीं फैला। वैसे तो धार्मिक भावना से प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन झूठ भी और धार्मिक भावना भी। प्रधानमंत्री जी देव नारायण जी का जो मंदिर है माला सेरी डूंगरी, वहां जाते हैं कब? 28 जनवरी 2023 को। कब की घटना? 8 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी और एकदम झूठ। क्योंकि जो बाद में एक वीडियो जारी हुआ है पीएमओ से, आपने देखा भी है, मीडिया ने छापा भी है, आपने दिखाया भी है कि ये लिफाफे वाली बात झूठ है। इसके बावजूद भी देखिए, जानते हुए भी झूठ बोला है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरखास्त करने आए हैं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है, आईपीसी से भी ऊपर है और आरपी एक्ट उससे भी ऊपर है क्या? ये हम कहना है। क्या हमने हमारी बात रखी, डिमांड क्या रही सर आपकी इसी से? हमारी डिमांड यही है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। धार्मिक भावना से कोई प्रचार नहीं कर सकता, ये तो दुष्प्रचार है। सर एक एक और, राजस्थान में ट्रैक्टर की जो घटना हुई है जिस पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं आज? प्रियंका गांधी वही है, हमारी डिमांड है कि कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है राजस्थान में, ट्रैक्टर से एक आदमी को कुचल दिया गया, उनको प्रियंका गांधी को वहां जाना चाहिए। या यूपी में तो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतना बलात्कार यूपी में उसने देखा कि हुआ एक नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में इतना कितना हुआ, क्यों नहीं गए जी? क्यों नहीं गए? क्यों यूपी के बलात्कार की घटनाओं को उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके पेश किया? इसका मतलब दुष्प्रचार करना, राजस्थान के मुख्यमंत्री का दुष्प्रचार करना यूपी का है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी कोई बयान नहीं आया इस पूरी घटना को लेकर अभी तक। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि वो अरड़ावता में है, झुंझुनू में, उनको जाना चाहिए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया, लेकिन वो झूठ है और उस झूठ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी लगातार मलेशिया को लेकर और देवनारायण जी के मंदिर में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं, लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाए। मीडिया को ब्रीफिंग करने के बाद निर्वाचन आयोग ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल यानी अर्जुन राम मेघवाल और उसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं, इसके अलावा ओम जी हैं, इन तमाम लोगों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात करके उनसे शिकायत की है और उन्हें यह कहा है कि प्रियंका गांधी जो लगातार दुष्प्रचार कर रही हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनसे जवाब मांगा। संजय शर्मा, दिल्ली।